सर इसमें जो कल ना मैंने रिकॉर्डिंग करी थी आपके लेक्चर की, उसको डाउनलोड करके, लैपटॉप में तो चलता नहीं है लेकिन ऑनलाइन जैसे इस पे करता हूँ तो चल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए यार ये तो कोई पूछ लेते बात नहीं सर, और मैं देख। किसे पूछो, किसी ने डाउनलोड किया हो तो डाउनलोड होकर चलना चाहिए, क्यों नहीं चलेगा वो। सर मैंने ग्रुप में डाला था ना, तो फिर बाई चांस किसी ने करा वो डाउनलोड, तो 30 डेज के लिए तो शायद रहता ही है वो वो बट वो डाउनलोड। ऑनलाइन डाउनलोडेड वर्जन आई नहीं चल रहा। डोंट नो, आई हैव टू सी। मैंने डाउनलोड तो किया था। देखना चला के कृति चलता है क्या। सर कितने बजे आओगे नेक्स्ट वीक, आपने टाइम तो बताया नहीं मेरे घर। ये देखो अकेला मैंने नहीं आना, मैंने तो नू लिखा, पहले मैं बाकियों से पूछूंगा। हाँ सर सब लाओ। नू सुबह आपको फोन से नू दिनार चीज अस्पित रसे में कौशल त्यों अंतोंद्र दला म्यूजिक एम शर्सी डैश ऑपर एम्पायर जो थवाइये डैश काम भी आपे मिली। सर सर बी सर बी सर वो चल रही है डाउनलोड होने के बाद। चल रही है। आपको शायद कोई सॉफ्टवेयर, कोई आप और डाउनलोड कर लो जिसमें ये MP4 वीडियो चल जाएगी। हाँ हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो, मैं करता हूँ आज इसको। चल रही है तो चलनी चाहिए। John song near the frost is assigned. What does it mean? On frost. ये तो आपका होमवर्क है, खुद ढूंढना पड़ेगा आपको मैडम। Okay. आई विल फाइंड द फॉर्म ऑन फ्रांस इंफॉर्मेशन ऑन फ्रेंच एंड सेंड यू मोर। नहीं, ढूंढना पहले इसको, ऑन सेन्ने वर्ब क्या होता है, सारी चीजें नहीं बताऊंगा, फिर आप सर्च नहीं करोगे इन्फॉर्मेशन हाँ तो जी वो सर। रॉ सॉन्ग ग्रिए समथिंग होता है जो कल किया था हमने, इट स्टार्ट्स विद आर। हाँ तो वैसा ही लग रहा था मेरे को, लेकिन मैं देखता हूँ। ओ माय गॉड इट इज टू टीच
और वो इंफॉर्मेशन था रेंस एनिमो था, ये ऑन सोनिमो है. नाविका जी, जसप्रीत, कनिका एंड कृति, ये हैं क्वेश्चंस ढूंढने हैं आपने, ये हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका रहेगा होमवर्क. कल सारी एक्सेप्शंस करेंगे, उसके बाद फिर डायलॉग बनाएंगे फ्यूचर सैंपल में. ठीक है? ओके. फिर मैं लिसनिंग भी स्टार्ट करूंगा आप लोगों की. ठीक है जी सर. तो सबसे पहले तो ये लेक्चर मैं आपको भेज रहा हूँ सारा. यस सर. पेस्ट. ठीक है ना मैक जी? ओके. नू जालो नू रथ्रुवे मेंतनो, नू जालो नू रथ्रुवे मेंतनो धमा. एक छोटा सा डाउट जो कनिका का था वो मैं बता देता हूँ. कनिका इधर देखना, जब हम इन्वर्जन करते हैं एरा विद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी इल एल, तो एक एक्स्ट्रा जो टी है वो ऐड कर दिया जाता है, है ना जी सर. जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब ले लिया हमने पार्ले, पार्ले इज टू स्पीक. ठीक है ना? जो पार्ले रे ट्यू पार्ले रा एल एल पार्ले रा नू पार्ले रो वू पार्ले रे एंड एल एल पार्ले रो दे विल स्पीक, है ना? सो मैंने क्वेश्चन बनाया कि जैसे Will you speak French? क्या आप फ्रेंच बोलोगे? तो parlerez vous français? ठीक है, यहाँ पे तो कोई चक्कर नहीं है क्योंकि वो के साथ बनाया है. बट अगर मैं बनाऊँ will he या will she speak French, तो ये थर्ड पार्टी हो गई. अब इसका इन्वर्जन करना है तो क्या हो जाएगा? parlera ill नहीं होगा. अब क्योंकि ये भी वोवल है और ये भी वोवल है, ये सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ होता है, इल एल के साथ. यू हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा ई विद इल एल जब इनके साथ इन्वर्जन करोगे. पार्लरा तिल कौन से, इसलिए एक्स्ट्रा ई ऐड किया हुआ था वहां और कुछ नहीं, चाहे एल ओ पार्लरा तेल कौन से. ठीक है, विल शी स्पीक फ्रेंच? ओके, बहुत बढ़िया सर. फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में हम लोग कल. ये भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, इसको भी नोट कर लेना. नोट करके ना ऐसे बना लेना चाहे. अलार नू जालो नू रथ्रुवे धमा अमेमर जो वे वूज अथोंद्र एजो वू स्वेथ यू नाग्रेयाब्ल जुर्ने आदमा बॉन जुर्ने ओ वुआर. ओके, आदमा 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 वी ओवर और ओवर. ओके ओके ओके, बाय. डॉक्टर.